असलम वेलकम बैक टू नदर वीडियो सो आज की ये वीडियो है थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी बिकॉज दिस वीडियो इज़ टोटली रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू बेल्जियम सो इस वीडियो के बेसिकली दो पार्ट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ़ लिविंग आपकी बेल्जियम में आती हो आप तो कॉस्ट ऑफ़ लिविंग क्या होगी दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वट काइंडब्स यू कैन डू इन बेल्जियम सो वी स्टार्ट अवर वीडियो विद अवर फर्स्ट थिंक विच इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग सो लेट स्टार्ट अच्छा कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चीज़ आती है कॉस्ट ऑफ़ लिविंग में आती है कि सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अकोमोडेशन अब इंटरनेशनल स्टूडेंट कहाँ से भी आता है कि, कि किस तरह की अकोमोडेशन आपको बेल्जियम में मिल सकती है सो so, अकोमोडेशन में सबसे पहले आएगा यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में आपको क्या मिलेगा कि आप यूनिवर्सिटी के थ्रू जो हॉस्टल्स हैं जो उन्होंने लोकेट किए हुए हैं उस अकोमोडेशन uh, में जाओगे और वो जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है इसकी जो आप कह सकते हो अमाउंट है पर मंथ रेंट की वो है अराउंड फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड की सो तो दूसरा ऑप्शन आ जाता है वो आपके पास आता है स्टूडेंट बिल्डिंग्स स्टूडेंट बिल्डिंग जो है विच इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट रूम्स फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिसकी कॉस्ट आप सकते हैं थ्री हंड्रेड्स ले कर फोर हंड्रेड के बीच में आ सकती है ठीक है डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको ईज़िली अवेलेबल होंगे ऑनलाइन और मैं जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप रूम रेंट के लिए ले सकते हो वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ठीक है थर्ड चीज़ जो कि थोड़ी सी आप कह सकते हो एक्सपेंसिव है वो बेसिकली फॉर फैमिली पर्सनस हैं अगर कोई स्टूडेंट पी स्टूडेंट आता है विद फैमिली तो वो वन बेडरूम अपार्टमेंट या टू बेडरूम अपार्टमेंट लेता है तो उसकी रेंज थोड़ी सी अबव हो जाती है फाइव हंड्रेड से तो वो राउंड अबाउट आपको मिलेगा सिक्स हंड्रेड टू एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड डी आर सो वो फैमिली पर्सन के लिए मोर फिजिबल जो मिलेगा आपको वो चीज़ है दिस इज़ एक्सक्लूडिंग यूटिलिटीज़ अच्छा जो दूसरी चीज़ आती है कॉस्ट ऑफ़ लिविंग में वो आती है आपकी फ़ूड ग्रॉसरी एंड ट्रैवलिंग सो अगर हम इनका पूरा कंबाइन uh, करें एकोमोडेशन को फूड ट्रैवल और ग्रॉसरी को तो एवरेज एक्सपेंस इंटरनेशनल स्टूडेंट का क्योंकि निकल आएगा आपका अराउंड सेवन हंड्रेड टू वन थाउजेंड जूरो सो so, अगर आप बेल्जियम आना चाह रहे हो फॉर द स्टडीज़ के लिए तो आप माइंड में रखें कि आपका सेवन हंड्रेड टे वन थाउजेंड यूरो इन होल मंथ कॉस्ट रहेगी एज ए लिविंग पर्सन सो इस चीज़ को एकोमोडेट कैसे करना है वो आपका दूसरा पार्ट है जो कि है पार्ट टाइम जॉब्स सो वी विल डिस्कस नाउ पार्ट टाइम जॉब्स अच्छा पार्ट टाइम जॉब्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि कैन स्टूडेंट वर्क एज अ पार्ट टाइम सो द आंसर इज़ यस आप इधर बेल्जियम में कोई भी स्टूडेंट आता है वो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है अब दूसरी चीज़ आती है कि ऑन वट बेसिस ही कैन वर्क एज अ स्टूडेंट सो जो आपको पक जब आप बेल्जियम आते हो तो आपको रेजिडेंट कार्ड दिया जाता है जो कि वन ईयर का होता है तो उस बेस्ड ऑन द रेजिडेंट कार्ड आप इधर आके जॉब कर सकते हो सो so, कितने घंटे जॉब कर सकते हो आप इन वीक एंड इन होल ईयर सो उसका आंसर ये है कि इन वन वीक यू कैन वर्क ट्वेंटी आवर्स ओके एंड इन होल ईयर यू कैन वर्क अराउंड अबाउट फोर सेवेंटी फ़ाइव आवर्स एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पे सम टैक्सेस सो इन ऑर्डर टू डू फर्दर जॉब इफ यू कम्प्लीट योर फोर सेवेंटी फाइव आवर्स सो ये बेसिकली स्टूडेंट्स की लिमिटेशन हैं जो कि हर स्टूडेंट को जो बेल्जियम में जॉब कर रहा है उसको फॉलो करनी होती है समर uh, हॉलीडेज़ में जो है समर हॉलीडेज़ में एक स्पेशल चीज़ ये है कि समर हॉलीडेज़ में देर इज़ नो लिमिट फॉर द स्टूडेंट्स टू वर्क सो दे कैन वर्क एज़ मच एज दे कैन टू अर्न मोर मनी सो इन समर हॉलीडेज़ समर स्टार्ट फ्राम जून टिल मिड ऑफ सेप्टेम्बर सो इन दीज टू एंड हाफ मंथ्स यू कैन डू एज मच वर्क एज यू कैन सो दिस इज़ लाइक ए प्लस पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू डू अ पार्ट टाइम जॉब तो सो ना वट टाइप्स ऑफ जॉब्स यू कैन डू एज अं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट सो इसमें एक मेन चीज़ जो बेसिकली जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको डच फ्रेंच या कोई लैंग्वेज नहीं आती सो वट वट आर द अपॉरचुनिटीज फॉर देम टू डू लाइक बेल पार्ट टाइम जॉब्स सो दे आर थ्री काइंड ऑफ जॉब जो कि पार्ट टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु डजेंट नो एनी लैंगवेज कैन वर्क इन बेल्जियम फर्स्ट इज डिलेवरी जॉब सेकेंड इज डिश वॉशिंग एंड द थर्ड इज वेयर हाउस जॉब अच्छा आती है डिलेवरी जॉब किस तरह की डिलेवरी जॉब है इन बेल्जियम देर आर थ्री काइंड ऑफ डिलेवरी जॉब फर्स्ट इज़ ऊबर आई थिंक एवरी वन नो इज़ उबर सेकेंड इज़ डिलीब्रो डिलीब्रो इज़ वेरी कॉमन इन मोस्ट पार्ट ऑफ द बेल्जियम एंड थर्ड इज़ टेक अवे टेक अवे जो है एक नदरलैंड बेस्ड कंपनी है जो कि मेन सिटीज ऑफ बेल्जियम में काम कर रही है और ये अराउंड अबाउट आपको और बेस पे देती है वेज ताकि आप और बेस पे uh, काम कर सकते हो वेर एज़ जो ऊबर रीट्स है डिलीवरो है वो आपको पर ऑर्डर आपको खाना देती है अच्छा जो डिलीवर है उसके रेट डिफरेंट है ऊबर के रेट डिफरेंट है ऊबर आपको पर ऑर्डर जो है वो चार्ज करती है फाइव एंड हाफ़ यूरो एंड वेर जो डिलीवर आपको चार्ज करती है फ़ाइव यूरो सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि आप कितनी uh, अर्निंग करते हो ठीक है अच्छा सेकेंड जो आती है वो आती है डिश वॉशिंग अच्छा डिश वॉशिंग ऐसी जॉब है जो आपको विद डिफरेंट रेस्टोरेंट्स आप सर्च आउट करोगे तो आपको ईजीली मिल जाएगी आपको जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट्स में और आपको हंड uh, करना पड़ेगा कि एज अ डिश वॉशर मैं अवेलेबल हूँ सो कोई अगर रेस्टोरेंट के पास वैकेंसी अवेलेबल होगी डेफिनेटली दे विल गो फॉर इट सो रेस्टोरेंट्स में अगर आप जॉब करते हो तो उसकी जो औरली बेज है वो आपको अराउंड अबाउट ट्वेल्व एलेवन ट्वेल्व यूरो मिलेगी थर्टीन यूरो मैक्मममम सो इज इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे प्रेफर टू डू रेस्टोरेंट जॉब एज वेल इन बेलजियम और जो थर्ड जॉब है वो है वेर हाउस जॉब जो कि आई कैन से सबसे अच्छा पैकेज आपको औरली देती है बेसिकली जो वेर हाउस की जॉब है वो आती है आपकी आउटस्कर्ट्स uh, में सिटी uh, के तो उसमें कि आपको क्या काम करना पड़ता है आपको शॉर्टिंग करनी पड़ती है लोडिंग करनी पड़ती है uh, फॉक लिफ्टर से आपको काम होगा ठीक है और पैकेजिंग करनी पड़ेगी आपको पैकिंग करनी पड़ेगी और ये जो वेरा ऑफिस ये आपको आ, पे करते हैं फोर्टीन एंड हाफ़ यूरो प्लस नाइट शिफ्ट बोनस भी होता है तो ये अराउंड ओवर सिक्सटीन यूरो समथिंग बन जाता है पर आवर का और इंक्लूडिंग मालते चेक मालताए चेक एक है जो आप एज अ वाउचर मील भी यूज़ कर सकते हो वो मिलता है आपको आठ यूरो पर एक यूरो पर पर डे सो बेसिकली ये तीन किस्म की जॉब हैं जो मोस्टली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं इन बेल्जियम टू वर्क एंड दे आर इज़ीली एक्सेसबल फार दैम सो मोस्टली जो स्टूडेंट यूज जो जॉब कर रहे हैं वो हैं डिलेवरों की जॉब डिलीवरी की जॉब बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ एंड आप नजर लॉगिन करना है और उसके बाद आप ईज़ीली uh, ट्रेवल कर सकते हो हर जगह पर अच्छा ये मैंने तीन आपको जॉब बता दी कि आप किस तरह की जॉब कर सकते हो जो लास्ट पार्ट है वो है वेरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ कैन यू फाइंड अ जॉब इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ जॉब बेसिकली इन बेल्जियम देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरम्स वेर यू कैन गो एंड गिव दैम सी वी सो दैट दे कैन गिव यू द जॉब अकॉर्डिंग टू योर लाइक स्किल्स आप uh, जो डिफरेंट इंटरम्स हैं लाइक कॉन्वर्ट हो गया रानस्टर्ट हो गया एसप हो गया इस तरह के डिफरेंट जॉब इट्स टू जॉब हो गया सो so बेसिकली ये इन टर्म्स आपको बेस चीज़ आपको असिस्ट करते हैं कि आप आ, को जॉब हंटिंग में आसानी हो सो so, ये डिफरेंट जितने भी इंटरम्स हैं मोस्टली का मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा यू कैन गो एंड हैव अ क्लिक एंड कैन ईजीली एक्सेस दो लिंक्स सो आज की वीडियो बेसिकली दो पार्ट्स पे थी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बेल्जियम Which i told you around 700 to 1000 it will be like average expense for each student who are coming to belgium and the second is part-time jobs and i have uh, told you that there is three kinds of job like delivery job dishwashing job and wear off job so uh, i am putting all the links in the description you can go and have a look on the description like on the links so it will be very beneficial for you so I am going to end this video here so guys i i will upload different kind of informative video like visa process application process for the students what kind of scholarship you can get in the future videos so if you like this video please give us a thumbs up and uh, remember me in your prayers till them, till the next time allah hafiz